और साजिश पहले उसको खूब सपना दिखाए स्विट्जरलैंड ले चलेंगे और फार्म हाउस है और नदी किनारे झरना गिर रहा है। जिनके पास पैसा है वो भी परेशान है, जिनके पास नहीं है वो भी परेशान। अगर आपको लगता है कि आप बुरे आदमी हैं, ऐसे पढ़ लोगे शास्त्र, ऐसे समझ लोगे इतनी तुम्हारी औकात है। आजकल तो सोशल मीडिया के इस युग में इतना लोग उतारू हो गए हैं दूसरे की बुराई देखने के लिए, दूसरे की बुराई करने के लिए। उनको पता नहीं है कि वो अपना कितना विनाश कर रहे हैं। जो बुराई कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, जो उसको सुन रहे हैं देख रहे हैं वो और बर्बाद हो रहे हैं। आप एक इंसान है, आपके अंदर सेक्स करने की इच्छा है, आप एक इंसान है। आपके अंदर स्त्री या पुरुष को भोगने की इच्छा है, आप इंसान है। आप क्रोध कर रहे हैं, आप इंसान है। आप लोभी हैं, आप इंसान है। आप मोह करते हैं, आप इंसान है। लेकिन ये सारी चीजों में सुख और दुख, जहां भी ये दोनों भाई बहन है सुख और दुख, इसलिए जिसने भी सुख की कामना की, इसीलिए इस जीवन में 98% लोग परेशान है। गरीबों को मैंने लेटे लेटे मरते हुए देखा, बैठे बैठे मर गए, चारपाई बैठ कर हुक्का पी रहे थे, शरीर छोड़ दिया। और बहुत सारे पैसे वालों को मैंने देखा आईसीयू में रहे, आईसीयू में 6 महीने का मतलब समझ रहे, कम से कम 6 लाख साल दुख में समय नहीं कटता। यही तो है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, सापेक्षता का सिद्धांत। खुशी में टाइम उड़ जाता है, दुख में टाइम नहीं कटता। इसलिए कहा जाता है कि नरक में जन्मों जन्मों जलोगे, क्योंकि दुख में टाइम नहीं कटता। इसलिए समाज संस्कार की बात करता है, संस्कार। इससे बचने के लिए समाज ने संस्कार शब्द का खोज की। संस्कार, संस्कार मतलब इंद्रियों का सीमित प्रयोग करो। अगर आपको लगता है कि आप बुरे आदमी हैं, अगर आपको लगता है कि आप बुरे आदमी हैं क्योंकि आप काम की तरफ आकर्षित होते हैं, काम मतलब इच्छाएं, उसमें सेक्स भी शामिल है, आप क्रोध करते हैं, लोभ करते हैं, आप मोह करते हैं, आप बुरे आदमी हैं ही नहीं। ये तो हमें सिखाया गया कि जो लोग ये सब करते हैं वो बुरे आदमी हैं। आप इंसान हैं, आप इंसान हैं, और वो इंसान अभी किस पे जी रहा है, मन और इंद्रियों पे, बस। इससे ज्यादा कोई बात नहीं है। कोई दुखी होने की जरूरत नहीं, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं, कोई गिल्ट करने की जरूरत नहीं। जिनके पास पैसा है वो भी परेशान है, जिनके पास नहीं है वो भी परेशान है। ये बात जब बिना पैसे वाले देखते हैं कभी कभी, तो बड़े बड़े घरों में जो ड्राइवर है, काम करने वाली है, मेड है, वो जब अपने मालिकों को परेशान देखती है तब वो सोचती है कि यार तुम क्यों परेशान हो। हम परेशान है समझ में आता है, तुम क्यों परेशान हो, क्योंकि जिसने भी सुख की कामना की उसको दुख मिलेगा ही मिलेगा, कोई रास्ता ही नहीं है। क्योंकि क्योंकि उसकी वजह क्या है कि सुख दुख किस पे निर्भर है, इंद्रिय विषय संयोग पे। और जो सबसे ज्यादा जिस व्यक्ति ने मुझे प्रभावित किया पिछले दिनों में, वो है राहुल गांधी जी। 20 साल उस आदमी का मजाक उड़ा। एक समय ऐसा आया जब उस आदमी ने संसद में कहा कि हाँ मैं पप्पू हूं। जब मैंने वो सीन देखी, मैंने कहा दो बातें हो सकती है, अपनी बुराई करना सबकी औकात नहीं है। जिस दिन राहुल गांधी जी ने कहा था हाँ मैं पप्पू हूं, उससे दिन मैंने कहा था या तो ये आदमी परिपक्व हो रहा है और या विक्षिप्त हो रहा है। और 2024 के इलेक्शन ने साबित कर दिया कि वो आदमी परिपक्व। आप देखिए, आपके सामने दो लोग हैं, संघर्ष करना पड़ेगा, बचोगे नहीं। नरेंद्र मोदी जी ने अपने जीवन के आरंभ में किया, आज फसल काट रहे हैं। राहुल गांधी जी ने अब किया, 20 साल बेइज्जती सही, अपमान सहा, कई बार तो हम ही ने कमेंट किया, चलता रहा, घूमता रहा, मिलता रहा लोगों से, गले लगाता रहा, ऊपरी निकल गया उस आदमी का 2024 में। इस बार की कट ऑफ 90+ जाएगी, 99 सीट उस आदमी के पास है। बस राहुल गांधी तैयारी ना छोड़े, अगर इस तरह से साधना वो करते रह गए तो 29 में उनका मेंस भी निकलेगा और इंटरव्यू भी निकलेगा। सामने एग्जांपल है आपके, आप भी संघर्ष से बचोगे नहीं, कोई नहीं बचा यार, कोई बचा ही नहीं। रसगुल्ला खाए जीभ को मजा आया, लेकिन ऐसे थोड़े कि दिन भर रसगुल्ला खाते रहोगे, महीना भर खाते रहोगे, हफ्ता भर खाते रहोगे, साल दिन भर खा लिए तो मर जाओगे। संगीत सुना कान को मजा आया, लेकिन 24 घंटे संगीत थोड़ी सुन पाओगे। इत्र
नाक को मजा आया, सुंदर स्त्री या पुरुष आंख को मजा आया, स्पर्श चमड़े को मजा आया, लेकिन ये सब सीमित है, सीमित। ज्यादा किए तो आईसीयू पहुंचे। अगर अगर इनकी सीमा तोड़ी तो आईसीयू, कोई माई का लाल बचा नहीं सकता है। ऐसा नहीं कि माँ बाप दे जाएंगे तो भी आप संभाल लोगे, उसके लिए भी योग्यता चाहिए। फिर औरंगजेब मर गया, बहादुर शाहवन, फिर मोहम्मद शाह रंगीला ये सब नहीं समझ पाए और नहीं लोग संभाल पाए। ऐसा नहीं कि पिता बहुत संपत्ति लेके देके चला जाएगा तो आप संभाल लोगे। अनिल अंबानी जी और मुकेश अंबानी जी को देखो, दोनों आदमी का डिफरेंस देखो। ऐसा नहीं कि कोई तुम्हें एक दिन उठा के गद्दी बैठा देगा तो तुम राजा बन ही जाओगे। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह आपको सलामत रखे, तो उधर से वो भी बोलेगा वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह आपको भी सलामत रखे। पता नहीं कहां से गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग आ गया। राधे राधे मतलब होश में रहो, साधना में रहो, सुमरन में रहो, राधा रानी जीवन बदल देगी। यही राधा रानी तुम्हारी आंतरिक शक्ति। ऐसे पढ़ लोगे शास्त्र, ऐसे समझ लोगे, इतनी तुम्हारी औकात है। जन्म लग जाते हैं आदमी को, जन्म, अरबो जन्म। जैसे तुम शादी करके आए किसी स्त्री के साथ और शादी से पहले उसको खूब सपना दिखाए स्विट्जरलैंड ले चलेंगे और फार्म हाउस है और नदी किनारे झरना गिर रहा है और पैसे कोई कमी नहीं, 4 करोड़ रुपया हर दिन आ रहा है, तो सोचा अरे वाह तो बड़ा मजा है और क्या। और आए तो देखा झोपड़ी, आटा मिट्टी मिला है, 10 आलू रखा है आदमी का, भूल लो तू खा लो हमू खा लो, सोचो उस आदमी का क्या हाल होगा। अब उससे क्या कह रहे हैं कि ये तो परीक्षा ले रहा है भगवान, तुम्हारी परीक्षा लेगा। कुछ लोग सोचते हैं कि ध्यान का मतलब आधा घंटा सुबह बैठ गया आधा घंटा साफ, आप खाते वक्त भी आंख बंद करके खाओ भाई साहब, आपका खाना कम हो जाएगा, स्वास्थ्य आपका इतना बढ़िया हो जाएगा मैं क्या बताऊं। बात कर रहे हैं लोग खाते वक्त, एक साहब के घर गया, सब बैठे कहीं बैठ, हमने कहा भाई साहब हमें कहीं ऐसा है जब मैं खाऊं ना तो मुझे अकेले खाने दीजिए, भोजन का तिरस्कार, आंख बंद करके खाइए आपका भोजन कम हो जाएगा, आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा होगा। टाइम लगेगा, पढ़ने के बाद आंख बंद करके मनन करिए, आप इतने बढ़िया विद्यार्थी हो जाएंगे। मतलब आप जहां हैं अब आंख बंद करके गाड़ी मत चलाइएगा कि चल रहे हैं, एक बार जरा आंख बंद कर गाड़ी चला ले, परम स्थिति को पहुंच जाएंगे। इतना तो कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा ना, कहां बंद करना है। लोग ध्यान शुरू करते हैं तो कोई 1 महीने में छोड़ देता है, कोई 2 महीने में, कोई 6 महीने में, साल में शुरुआत सब करते हैं, क्योंकि सभी परेशान हैं, तेरे विशेष संयोग से सभी परेशान। कितने पॉलिटिकल लीडर्स डिफरेंट पार्टियों में जो 70 पार कर गए, कई राजनीतिक दलों में ऐसे लोग हैं जो 70 पार कर गए, अब नए नए नेता उभर रहे हैं। भाई भाजपा के पास अनुराग ठाकुर जैसे नेता हैं, युवा नेता, समाजवादी के पास अखिलेश यादव जी हैं, आरजेडी के पास तेजस्वी यादव हर दिन निखर रहे हैं। हाथ जोड़कर निवेदन है भाई साहब, मैं तो बार बार ये कहता हूं आपसे, अगर मैं अपनी जीवनी लुक दूंगा ना तो बहुत लोग बेहोश हो जाएंगे, 2-4 लोगों के मरने की संभावना है। पर मुझे ये था कि मैं बुरा आदमी नहीं हूं, यहां बहुत सारे लोग गिल्ट में जी रहे हैं, भैया हम पहले शराब पीते थे, कोई बात नहीं, ध्यान करने लगो मन का धैर्य बढ़ेगा, समझ बढ़ेगी, शराब छूट जाएगी, भैया हमारे पर स्त्रियों से संबंध है, कोई बात नहीं, ध्यान करने लगो, वो सारी दवा ध्यान है, पर पुरुषों से संबंध है, कोई बात नहीं,